हेलो स्टूडेंट, दिस इज शीला गुप्ता और आज मैं आपको क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री में पार्ट 2, सोर्सेस ऑफ नोइंग मेडिवल पीरियड, यानी मेडिवल पीरियड के सोर्स क्या क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि मेडिवल पीरियड स्टार्ट कब से हुआ, हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक मेडिवल पीरियड आया, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से कहाँ माना जाता है? सल्तनत, यानी भारत के नॉर्थ साइड, उत्तर साइड में सल्तनत से लेके और दक्षिण की अगर देखा जाए तो वहाँ पे चोल डायनेस्टी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनसे हिस्ट्री में भी, तो चोल डायनेस्टी यहाँ तक की पीरियड को जो है वो मेडिवल पीरियड कहा जाता है। अगर हम यूरोपियन पश्चिमी देशों की बात करें तो इसी मेडिवल पीरियड को वहाँ पे मिडिल एज कह के बुलाते हैं। आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, यानी वो सोर्सेज जो हमें दिखाई देते हैं, रिटेन में भी हो सकते हैं आपके और ऐसे टर्म के तौर पर हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हुआ, ठीक है, लिंगराज मंदिर हुआ, सन टेम्पल हुआ, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल में आती हैं। ताजमहल हुआ, हुमायूं का मकबरा हुआ, ये सारी चीज़ें भी किस में आती है? आर्कियोलॉजिकल में। तो इनसे हमें कैसे पता चलता है? उस समय ये राजा थे, इन राजा ने ये चीज़ें बनवाई थी, उन्होंने इस पर ये सब चीज़ें लिखी, वो क्या जीते क्या हारे, उन्होंने क्या चीज़ें डेवलप की, वो सारी चीज़ों को जो है उस चीज़ों में करते थे। उनकी शैली क्या थी, उनका वो जो महल बनवाते थे वो कौन सी शैली में बनवाते थे, वो उनमें टॉम्ब होता था या फिर ऐसे पिलर्स खड़े होते थे, वो डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें जो है मेडिवल पीरियड में आती हैं। वो नागरा शैली के यूज़ करते थे कि मथुरा शैली का यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। ताजमहल आप देख लीजिए जो शाहजहाँ ने बनवाया, हुमायूं का मकबरा देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें आर्कियोलॉजिकल के थ्रू और मेडिवल हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हम लोगों को पता चलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे तो एपिग्राफ, सबसे पहले होता है कि एपिग्राफ किसे कहते हैं, क्या होता है एपिग्राफ? तो एपिग्राफ होता है एक प्रकार का टॉम, मीन्स कोई व्यक्ति जब उसकी डेथ हो जाती है तो आपको पता है उसको डिग करके दफनाया जाता है, तो उसको दफनाने के बाद ऊपर कुछ मकबरे टाइप का बना दिया जाता है, खासतौर से आप क्रिश्चियन को देखते होंगे या फाउंडर को देखते होंगे, तो उस पर जो है जो टॉम बना दिया जाता है उस पर सीमेंटेड कर दिया जाता है या फिर मेटल का वर्क चढ़ा दिया जाता है और उस पर कुछ लिख दिया जाता है, ठीक। जैसे हुमायूं का मकबरा आपने नोटिस किया होगा, तो बाबर का मकबरा, शाहजहाँ का मकबरा, इन सब चीज़ों पर कुछ लिख दिया गया है, तो इस पर जो लिखा गया है वो किसके बारे में लिखा गया है, उसी किंग के बारे में, तो जो वो किंग के बारे में लिखा गया है वही क्या होता है, एपिग्राफ होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे एपिग्राफ किसे कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें आपसे तो न्यूसिटीज, अब ये क्या होता है, देखिए जब राजा महाराजा या जो भी डायनेस्टी रही होगी, जब वो किसी पर विजय प्राप्त करते थे या फिर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे तो वो कॉइन्स चलाते थे, सिक्के चलाते थे, उन सिक्कों पे अपना नाम या अपने राजवंश का नाम या फिर जो उनको पसंद होता था, जैसा मुझे को बीड़ा बचाना पसंद था तो उनके सिक्कों पे बीड़ा बचाते उनकी तस्वीर बनाई गई थी, ऐसे जिनको जो पसंद हुआ करता था तो वो कोई विजय किसी राज्य के ऊपर, किसी राजा के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं तो क्या करते थे, उसको उस चीज़ों को दिखाने के लिए उन सिक्कों पे डेवलप करते, उस सिक्कों को छपवाते थे, तो उन्होंने क्वाइंस चलाए, क्वाइंस कॉपर के भी हुआ करते थे, क्वाइंस गोल्ड के भी हुआ करते थे और सिल्वर के भी हुआ करते थे, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन, अपने कल्चर को, अपने डेवलपमेंट को, अपने ट्रेड्स को जो है क्या करते थे, स्टंप करवाते थे, तो इसके थ्रू भी हमें मेडिवल पीरियड्स के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज क्या होता था, देखिए लिटरेरी सोर्सेज होता था कि कुछ साक्ष्य जो है वो लिख दिए जाते थे, कुछ साहित्यिक तौर पर लिख दिया जाता था, तो उन चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में भी क्या है, क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स के भी दो पार्ट होते हैं, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी। अब क्रॉनिकल्स क्या होता है, क्रॉनिकल्स एक इवेंट टाइप का होता है, यानी किसी राज दरबार में मंत्री है या फिर सेवक है वो राजा के बारे में कोई किताब लिखते, ठीक है,
वही इसी में क्रॉनिकल्स में आती है। तो सबसे पहले आती है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी वो चीज़ होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख दे, तो बायोग्राफी है। अगर हम बात करते पृथ्वीराज चौहान की, आप लोगों को पता है पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े सम्राट थे, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनके मंत्री ज्योतिषचंद्र बरदाए, उन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो, तो ये क्या हो गया? बायोग्राफी हो गया। इसी तरह से अगर हम हुमायूं के बारे में बताएं, हुमायूं नामा लिखा गया, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा, इस तरह से कलहर ने राजस्थान ने लिखा, तो ये सारी चीज़ें जो है बायोग्राफी में आती हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखी, जैसे मैं अपने बारे में खुद ही किताब लिखूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे करती हूँ, मेरे साथ क्या इवेंट्स हुए, क्या इंसिडेंट हुए, ये सारी सब चीज़ें जब होती हैं और मैं वो चीज़ लिखती हूँ तो ऑटोबायोग्राफी होता है। तो ऑटोबायोग्राफी में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। ऑटोबायोग्राफी की बात करें हम तो जैसे हर्षवर्धन ने हर्षचरित लिखा, तो हर्षचरित उन्होंने अपने बारे में लिखा, तो हर्षचरित क्या हो गया? एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह से अगर हम और डेवलपमेंट की बात करें तो अकबरनामा, ठीक इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो है लिखी गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट आपका आया है फॉरेन ट्रैवलर्स। अब फॉरेन ट्रैवलर्स क्या होते थे? देखिए मेडिकल पीरियड में भी बहुत से विदेशी जो है भारत में घूमने आते थे, जैसे अगर हम बात करें मार्को पोलो की, जो कि कहाँ से आया था, और रेहान जिसने लिखा था इब्न बतूता, वो भी विदेश से आया था। हुबेन साहब हुए और इत्सिन हुआ, ठीक है फाइयान हुए, ये भी क्या थे? ये विदेशी थे और ये आए और इन्होंने भी यहाँ पे ट्रैवलिंग की। उस समय जो राजा थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और उस चीज़ को लिख दिए, तो ट्रैवलिंग के थ्रू हम लोगों को प्राप्त हुआ। और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने जो साक्ष्य लिखे, जैसे हम कौटिल्य की बात करें, उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, उस समय के जो राजनीतिक माहौल थी वो सारी चीज़ें लिखी। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है हमें क्या होता है, मेडिकल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इनके साक्ष्य के थ्रू हम क्या थे, अननोन थे। तो क्वाइन से हुआ, टॉम से हुआ, एपिग्राफ के माध्यम से हुआ, बायोग्राफी से हुआ, ऑटोबायोग्राफी से हुआ, कुछ लिटरेरी सोर्सेज से हुआ, जैसे अर्थशास्त्र। तो इन सारी चीज़ों से हमें मेडिकल पीरियड में क्या होती है, जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट आई थिंक आप आज का वीडियो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।